एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सठोली कद्दीम में स्थित टांडा गांव पड़ा। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 25 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान कालीराम हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 815 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 450 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में एक सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 155 शौचालय, जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में 7 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवासों का निर्माण भी कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 15 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 70 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, इंटर कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र, बारात घर, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान टांडा गांव पोस्ट फैजाबाद जिला सहारनपुर ब्लॉक सड़ोली के दिन मैंने अपने गांव में जो विकास किया है, नंबर एक पूरे गांव सोचमुख ODF कराया है, पूरा गांव ODF कराया है जी, 155 शौचालय बनवाए। दूसरे नंबर पे 3 आवास प्रधानमंत्री आवास के बनवाए और नंबर 3 पूरे गांव की बिजली लाइन बहुत बेकार थी वो पूरी रिन्यूअल कराई और 10 शौचालय स्कूल में बनवाए और 2 हैंडपम्प लगवाए अपने, RCC तो बोल जो काम विकास नहीं हुआ है वो नंबर एक स्कूल नहीं है मेरे गांव में, इंटर कॉलेज, बच्चों का बहुत बुरा हाल है गांव में, 20-20, 30-30 किलोमीटर पे कॉलेज हैं, लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं गांव में, सबसे मेन प्रॉब्लम है लड़कियों की। और गांव में 400-500 मीटर CC चाहिए और खेती के लिए अपना जो लोग हैं पानी पूनी की उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 12 पढ़ाया है 3 साल से पेंडिंग, आज तक वो रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई उसकी, पेंडिंग ही पड़ा है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी है। बोले गांव टंडा और डाकखाना फैजाबाद और जी हमें कोई लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री योजना का और जी हम इंटा बना रहे अपनी दीवार बनाऊंगे, ठीक है जी।